आज हम लोग क्लास 11 त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.2 करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला प्रश्न में देखिए लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दे रखा है। यहाँ लिखा है कॉस एक्स बराबर -1/2 ये दिया हुआ है, और बोला है यक्स तीसरे चतुर्थांश में है। तो देखिए, चतुर्थांश के बारे में जैसे इंट्रोडक्शन में बताया है, यहाँ हम बता देते हैं। जैसे ये देखिए, ये चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले चतुर्थांश में ऑल का मतलब सभी, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धन में प्लस में होते हैं। और इसमें साइन, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक ना, मतलब इसमें साइन और इसका व्युत्क्रम कॉसेक, ये दोनों ही धन में होते हैं, प्लस में होते हैं। बाकी 4 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे वो माइनस में होंगे। यहाँ टेन और कॉट ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे। इसी प्रकार इसमें कॉस और सेक ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो बच गए वो माइनस में रहेंगे। इसलिए इसको हम लोग याद करते हैं ऑल साइन टेन कॉस, ठीक ना। तो इसमें देखिए कॉस लिखा, इसमें लिखा है यक्स तीसरे चतुर्थांश में है, लिख लेते हैं यहाँ पर यक्स तीसरे चतुर्थांश में है। तो इसे देखिए, अगर कॉस यक्स का मान -1/2 दिया हुआ है, तो इसे हम पहले कॉस का देखिए व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम लिख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, 1/cos x होता है, cos x का मान रख देंगे यहाँ पर, तो 1/-1/2 है ना, यहाँ cos x का मान रख दिया, तो बटे के बटे में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार ये -2 प्राप्त हो गया। तो sec x ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे, देखिए एक सर्वसमिका होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ठीक ना, ये जो क्लास 10 में पढ़ी थी, 3 सर्वसमिकाएँ पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये पहली थी, 1+10² x बराबर sec स्क्वायर एक्स, और एक था 1+cot² x बराबर cosec स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तीन में से हमने ये पहली सर्वसमिका लगाया है। इसमें देखिए कॉस का मान हमको यहाँ से यहाँ इस पर रख देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर, या तो यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं फिर मान रख देंगे, 1-cos² x, तो यहाँ 1-cos का मान कितना है, देखिए -1/2 का होल स्क्वायर, तो जगह इसका देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 में 1 कम हुआ तो 3/4, तो हमको आया साइन स्क्वायर यक्स बराबर 3/4। तो साइन यक्स का मान कितना आया, ये वर्ग है तो इस पर लगेगा तो वर्गमूल लगेगा, तो प्लस माइनस करनी 3/4, तो करनी 3 रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, तो साइन यक्स का मान प्लस माइनस करनी 3/4 प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें हमको साइन एक्स का मान 2 में आया, प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया है, इनमें से कौन सा मान लेंगे, तो वो हम देखेंगे एक्स किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं, चूंकि
यक्स तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, ये चतुर्थांश हो गया, इसमें से हमने लिखा था ऑल साइन टेन और कॉस लिखा था, तो यक्स का मान तीसरे चतुर्थांश में, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो तीसरे में है, तो तीसरे में देखिए टेन और कॉट का वैल्यू को छोड़ कर बाकी सब ऋण में रहता है, माइनस में रहता है, इसलिए ये माइनस में, इसलिए साइन यक्स का मान ऋणात्मक होगा, ये हो गया ऋणात्मक, तो इसलिए देखिए साइन यक्स बराबर कितना जाएगा, माइनस करनी तीन बटे दो हो जाएगा। अब साइन का मान ज्ञात हो गया तो इससे हम कौशिक का भी मान ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है ना, साइन का व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ माइनस करनी तीन बटे दो है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस दो बटे करनी तीन, ठीक है ना, व्युत्क्रम होता है इसका। अब हम टेन का मान ज्ञात करेंगे, तो टेन यक्स बराबर क्या होता है, साइन यक्स बटे कॉस एक्स, अब ऊपर साइन का मान रख देते हैं, तो साइन का मान कितना है, करनी तीन बटे दो, ये मेन बटा, कॉस का मान कितना है देखिए, माइनस एक बटे दो, तो इसको हल करेंगे तो देखिए बाहर बाहर गुणा होता है और अंदर अंदर गुणा होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस दो करनी तीन बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस दो, तो इस प्रकार ये माइनस माइनस कैंसिल, दो दो कैंसिल, तो करनी तीन प्राप्त हुआ, तो टेन यक्स बराबर करनी तीन है, तो इससे हमको कॉट का भी मान ज्ञात हो जाएगा, तो कॉट यक्स बराबर एक बटे करनी तीन हो जाएगा, ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम, तो देखिए हमको सबको बाकी देखिए एक अनुपात दिया था, बाकी पांच त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात हो गया, तो चाहे तो इसको हम यहाँ पर एक साथ लिख सकते हैं, ठीक ना, देखिए ये क्या है सेक, तो सेक का मान ज्ञात कर लेते हैं, देखिए सेक यक्स बराबर माइनस दो, और साइन यक्स है ना, साइन का मान ज्ञात किए हैं, साइन यक्स बराबर क्या ज्ञात किए हैं, माइनस करनी तीन बटे दो, और यहाँ पर कौशिक का मान भी ज्ञात किए हैं, तो माइनस दो बटे करनी तीन, और टेन का मान ज्ञात किए हैं करनी तीन, और कॉट का मान कॉट यक्स बराबर एक बटे करनी तीन, तो देखिए टेन का मान और कॉट का मान दोनों प्लस में आया है, क्योंकि देखिए तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट को मैंने बोला था कि ये धनात्मक में रहते हैं, है ना, पॉजिटिव हैं, इसलिए इन्हीं का मान केवल प्लस में आया है, बाकी सब ऋण में आया है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर एक हल हो गया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर दो में है साइन यक्स बराबर तीन बटे पाँच, और यक्स का मान बोला है कि दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक ना, यहाँ पर है, तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में साइन और कौशिक दोनों प्लस में रहेंगे, इसलिए ये इसका मान देखिए प्लस में ही दिया हुआ है, ठीक ना, साइन और ये कौशिक, टेन तो ये कॉट और कॉस है तो यहाँ सेक भी रहेगा, ठीक ना, तो साइन का मान है तो इससे हमको कौशिक का मान ज्ञात हो जाएगा, देखिए कौशिक यक्स बराबर क्या होता है, एक बटे साइन यक्स, मान रख देंगे साइन यक्स का मान कितना है, तीन बटे पाँच, तो बटे के बटे में तो ये पाँच ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पाँच बटे तीन आ गया। अब सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स बराबर एक होता है, तो हमको साइन का मान दिया है तो हम कॉस का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन का मान को पक्षांतर करेंगे, कॉस स्क्वायर यक्स बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन का मान कितना है, तीन बटे पाँच, तो तीन बटे पाँच हो गया, अब तीन का नौ और पाँच का पच्चीस, तो कॉस स्क्वायर यक्स बराबर देखिए पच्चीस एकम पच्चीस, पच्चीस में नौ गया तो सोलह बटे पच्चीस, ये वर्ग है, इस पर वर्गमूल लगाएंगे तो जगह कॉस यक्स बराबर प्लस माइनस करनी 16 बटे 25, तो ये हो गया कॉस एक्स बराबर
प्लस माइनस 4/5 है ना, 16 का 4 25 का 5। अब देखिए कॉस का मान यहाँ हमको प्लस और माइनस दोनों में आया है, तो यहाँ देखिए यक्स का मान दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में केवल साइन और कौशिक ही प्लस में रहेंगे, तो कॉस का मान देखिए साइन और कौशिक प्लस में है तो बाकी सब माइनस में है, तो इसका मतलब ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यक्स दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कॉस एक्स का मान ऋणात्मक होगा, ठीक ना। तो इससे हमको कॉस एक्स का मान क्या प्राप्त हो गया, हम यहां लिख देते हैं। देखिए कॉस एक्स बराबर माइनस 4/5 प्राप्त हो गया, तो कॉस प्राप्त हो गया तो इससे हमको सेक प्राप्त हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है, लिखेंगे माइनस 5/4 हो गया, ठीक ना। तो अब हम टेन का मान ज्ञात करेंगे, टेन एक्स बराबर साइन एक्स 5/cos x। साइन का मान कितना है, 3/5 है, तो 3/5 मेन बटा, और कॉस का मान कितना है, माइनस 4/5, तो इसको देखिए 5 5 कैंसिल हो गया तो बचा 3/4, तो माइनस 3/4 टेन यक्स का मान आया। इससे हम कॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो कॉट यक्स बराबर माइनस 4/3। तो इस प्रकार देखिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, तो यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः देखिए पहले हमने कौशिक ज्ञात किया था, कौशिक एक्स बराबर 5/3, फिर हमने ज्ञात किया कॉस का ज्ञात किया, कॉस एक्स बराबर माइनस 4/5, फिर सेक ज्ञात किया था, सेक एक्स बराबर माइनस 5/4, और फिर टेन का ज्ञात किया, टेन एक्स बराबर माइनस 3/4, और कॉट एक्स बराबर माइनस 4/3। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है, कॉट एक्स बराबर 3/4 और यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना, तीसरे में है। देखिए कॉट दिया है तो इससे हम टेन ज्ञात कर सकते हैं, टेन यक्स बराबर ये होता है 1/cot x, तो हम मान रख देंगे इस पर कॉट एक्स का 3/4, तो इस प्रकार हमको 4/3 टेन एक्स प्राप्त हो गया। अब हम इसमें सर्वसमिका भी लगा सकते हैं, देखिए सर्वसमिका से ये होता है 1+10² x बराबर sec² x होता है, तो वन प्लस टेन का मान यहाँ रख देंगे हम 4/3 का² बराबर sec² x, इससे हो जाएगा 4 × 16/9 बराबर sec² x, 9 × 1 = 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, 9 × 1 = 9 और 16 × 9 25/9, तो ये वर्ग इस पर लगाएंगे तो जाएगा वर्गमूल प्लस माइनस करनी 25/9, तो ये जाएगा sec x बराबर प्लस माइनस 5/3, 25 का 5 और 9 का 3। अब देखिए प्लस माइनस में है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो ये हमको यक्स किस चतुर्थांश में स्थित है उससे पता चलेगा, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए
अब देखिए तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं 1, 2, 3, इसमें केवल टेन और कॉट प्लस में रहता है तो बाकी सब माइनस में रहेगा, तो इसका मतलब सेक माइनस में रहेगा, तो सेक यक्स बराबर माइनस 5/3 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमको सेक प्राप्त हो गया तो इससे हमको कॉस भी प्राप्त हो जाएगा, कॉस क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक का व्युत्क्रम होता है, तो लिखेंगे माइनस 3/5। और हम फिर सब समीकरण लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, चाहे तो इस वाले से लगा लें चाहे तो ये टेन वाला फॉर्म लगा लेते हैं। देखिए हम लगा लेते हैं टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये होता है टेन का मान कितना है 4/3, तो 4/3 रख देते हैं, साइन का मान ज्ञात करना है हमको और कॉस का मान कितना है, देखिए कॉस का मान -3/5 दिया हुआ है, -3/5, ठीक ना। अब इसका हल कर लेते हैं, तीरे गुणा कर लेंगे तो जगह 3 sin x बराबर, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो -3/5 × 4, ठीक ना, इसका गुणा इसमें कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा साइन यक्स बराबर, इसको नीचे पक्षांतर कर देंगे गुणा में तो भाग में हो जाएगा, तो -3 × 12/5 × 3, ये 3 हमने नीचे, 3 × 1 = 3, 4 = 12, तो इस प्रकार साइन यक्स बराबर -4/5 प्राप्त हुआ। तो साइन प्राप्त हो गया तो हमको इससे कौशिक भी प्राप्त हो जाएगा, तो जाएगा -5/4। तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, टेन प्राप्त हो गया, सेक प्राप्त हो गया, कॉस प्राप्त हो गया, फिर इससे देखिए साइन प्राप्त हुआ और कौशिक प्राप्त हुआ, है ना, बाकी शेष सभी पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 4 में है सेक एक्स बराबर 13/5, एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है ना, चौथे में है, तो चौथे में देखिए कॉस और सेक प्लस में होता है तो इसलिए सेक देखिए प्लस में ही दिया हुआ है, तो सेक दिया है तो हम इससे कॉस निकाल सकते हैं, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1/sec(x) होता है ना, व्युत्क्रम होता है, तो इस प्रकार हो जाएगा 1/13/5, तो बटे क्यों है तो ये हो जाएगा 5/13। और अब सर्वसमिका लगा देंगे तो लिखेंगे सर्वसमिका से देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो हमको कॉस दिया है साइन निकाल लेंगे तो कॉस को पक्षांतर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 − cos² x, 1 − कॉस का मान कितना है 5/13 का वर्ग लगा लेते हैं, तो जगह साइन स्क्वायर एक्स 1 − 5 का 25 और 13 का 169, तो जगह साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको देखिए 169 एक कम और माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 9, 5 × 4 = 6 = 2 = 4 + 1/169 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस करनी 144/169, तो साइन एक्स बराबर देखिए आ जाएगा +/12/13 आ गया, ठीक ना, तो साइन का मान दोनों हैं इसमें डिसाइड करेंगे कौन प्लस है कौन माइनस में रहेगा, देखिए साइन का मान ये देखिए यक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है चौथे में है, चौथे में साइन का मान माइनस में रहेगा, तो लिखेंगे चूंकि यक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है में स्थित है इसलिए साइन यक्स का मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक ना, तो साइन एक्स का मान माइनस में, तो हम साइन एक्स का मान लिख देते हैं यहाँ पर, साइन एक्स बराबर -12/13। अब हम टेन एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं तो टेन का मान क्या होता है
साइन बटे कॉस। तो साइन का मान क्या होता है, माइनस 12 बटे 13 मेन बटा कॉस का मान कितना दिया है 5 बटे 13। देखिए ये 13 13 कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस 12 बटे 5 प्राप्त हो गया। तो 10 आ गया तो हम कॉट निकाल लेते हैं, कॉट एक्स बराबर माइनस 5 बटे 12। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया तो हम यहाँ पर पूरे एक साथ लिख देते हैं। अतः कॉस एक्स बराबर 5 बटे 13 और साइन एक्स बराबर माइनस 12 बटे 13, कौशिक एक्स बराबर माइनस 13 बटे 12, टेन एक्स बराबर माइनस 12 बटे 5 और कॉट एक्स बराबर माइनस 5 बटे 12। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है टेन एक्स बराबर माइनस 5 बटे 12, एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए टेन का मान दिया हुआ है तो हम कॉट का मान ज्ञात कर लेंगे, कॉट एक्स बराबर 1 बटे टेन एक्स होता है, टेन एक्स का मान माइनस 5 बटे 12, तो इससे हो जाएगा माइनस 12 बटे 5 प्राप्त हो गया। और हम सर्वसमिका लगाएंगे इस पर, तो लिखेंगे सर्वसमिका से, सर्वसमिका से तो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ टेन का मान रख देंगे तो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन का मान कितना है माइनस 5 बटे 12। तो लिखेंगे 1 प्लस 5 का 25 और 12 का 144 सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए 144 एक कम 144 अब 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1 बटे 144। तो देखिए सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये वर्ग इस पर लगेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो लिखेंगे 169 बटे 144। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 13 बटे 12। तो सेक एक्स का मान आ गया। देखिए प्लस और माइनस में है ये दूसरे चतुर्थांश से, पहला और दूसरा, दूसरे में केवल साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, तो देखिए सेक लिखा है तो माइनस में ही रहेगा, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए या अतः सेक एक्स का मान धनात्मक, सेक सॉरी माइनस में रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा, का मान ऋणात्मक होगा, ठीक ना। दूसरे में सेक और कॉस ये सब माइनस में रहते हैं, तो सेक एक्स का मान कितना हो गया माइनस 13 बटे ये 12 हो गया। तो सेक एक्स का मान आ गया तो हम लिख देंगे कॉस एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस 12 बटे 13 और टेन एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन का मान कितना लिखा है, साइन का मान यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे फिर लगाएंगे हम। देखिए अभी हमको साइन का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो टेन एक्स का मान कितना आया है यहाँ पर, देखिए टेन एक्स का माइनस 5 बटे 12 है, माइनस 5 बटे 12 बराबर साइन का मान ज्ञात कर लेंगे हम यहाँ से, और कॉस का मान कितना दिया है माइनस 12 बटे 13, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसको हम यहीं कर लेंगे, बटे के बटे में है तो माइनस 5 बटे 12 बराबर 13 साइन एक्स बटे माइनस 12। अब तिरे गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहीं पर कर लें तिरे गुणा हो जाएगा, तो देखिए इसको लिख लेंगे 12 गुणे 13 साइन एक्स
बराबर 12 पंचे 60, ठीक ना, 12 पंचे 60, 2 माइनस प्लस, तो साइन एक्स का मान 60/12 × 13 आ गया, है ना। इसको पक्षांतर गुणे में है तो भाग में कर दिया, तो 12 पंचे 60, तो साइन एक्स का मान आया 5/13, तो कौशे का मान आ जाएगा 13/5, ठीक ना, व्युत्क्रम होता है। देखिए साइन और कौशिक दोनों का मान देखिए दूसरे में प्लस में होता है, इसलिए इन दोनों का मान प्लस में ही आया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में लिखा है प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो 6 से लेकर अभी आगे जितने भी 10 मतलब लगाएंगे हम प्रश्न, पांचों प्रश्न को इनके मान ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में लिखा है साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हमने देखे इंट्रोडक्शन बताया था, फॉर्मूला होता है साइन 2n π प्लस या थीटा कह लीजिए या x कह लीजिए, अगर x लिखते हैं तो जाएगा साइन x, ठीक ना। मतलब 360 के गुणज में अगर कुछ रहता है तो इसका मान साइन का मान सीधे साइन और x लिख देंगे हम यहाँ पर। इसी प्रकार कॉस का मान होता है, ऐसे कॉस में 2n π प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। एक होता है साइन, अगर माइनस एक्स हो तो जगह माइनस साइन एक्स होता है, और एक होता है कॉस माइनस एक्स हो तो केवल कॉस एक्स होता है, ठीक ना। तो हम इसमें देखते हैं 360 का कोण, 360 से भाग दे देखते हैं इसको। देखिए 360 गुणे अगर 4 कर लें तो 2 कर लेते हैं, 36 × 2 = 72 हो जाएगा 2, तो 2 × 6 = 12, 3 × 2 = 6 = 7, 720 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 720 प्लस और कितना बच गया, 45 डिग्री बच गया, ठीक ना। तो ये क्या चीज़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए साइन ये हो गया 360 × 2 + 45, ठीक ना, ये 2π के 360 क्या होता है, ये होता है 2π, है ना। तो ये 2π 360 के गुणज में है, ये 360 × 2 लिखा है, ठीक ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2π × n, n का मान क्या आया हमको 2 आया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए इसको मान, इसका मान सीधे समझ लेते हैं कि इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये साइन 45 हमको बचता है। तो हमको देखिए यहाँ साइन 45 प्राप्त हो गया, ठीक ना, मतलब इसको 360 के गुणज में हमको ब्रेक करना होता है, और जितना बचता है एक्स्ट्रा में जो डिग्री बचती है वो देखिए हमने एक्स्ट्रा में यहाँ लिख लिया है, ठीक ना। और ये इसका मान समझिए ये 0 होता है, ठीक ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए ये लिखा है तो साइन एक्स लिख देंगे हम सीधा, तो देखिए साइन 45 हमने लिख दिया, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो इस प्रकार साइन 765 डिग्री का मान 1/√2 प्राप्त हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, देखिए लिखा है कॉस 1 माइनस 1410 डिग्री, ठीक ना, तो माइनस में लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स का मान, देखिए एन का मान कहाँ से कहाँ वेरी करता है, एन का मान होता है, एन बिलोंग्स टू है ना जेड, मतलब पूर्णांक है, मतलब एन का मान प्लस माइनस में भी हो सकता है। अब देखिए इसका हम गुणन करते हैं, तो देखिए 360 × 3 4 बार लेके जाते हैं, 6 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 = 13 = 14, 1440 आया है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए कॉस 1 माइनस 1440 और प्लस 30 लिख दें, ठीक ना। तो इसको अगर आप हल करेंगे, 1440 माइनस में है प्लस 30 करेंगे तो ये माइनस 1410 आ जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए ये जो है ये माइनस में है, तो इससे माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बोला एन का मान अगर प्लस में है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर एन का मान 2 आया है, ठीक ना, 2 आया है, तो देखिए क्या बना अपना फॉर्मूला, देखिए ये 2 रख देंगे तो 2 × 4 मतलब 4π + x बराबर साइन एक्स हो जाएगा। अगर यहीं पर एन का मान माइनस में लिख दें हम, है ना, पूर्णांक हो सकता है, एन का मान कोई भी पूर्णांक संख्या, माइनस प्लस कुछ भी, तो हम यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर हम एन का मान -2 रख देंगे तो -4π आ जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसका मान भी हमको देखिए क्या आएगा,
साइन यक्स ही आएगा, ठीक ना। बस ये 360 का गुणज है ना, गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई का। अगर पाई के फॉर्म में देखें तो 2 पाई का मल्टीपल है। देखिए 2 पाई का मल्टीपल ही है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 पाई इंटू -2 और प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये एन की वैल्यू हो गई -2, तो इसका आंसर कितना आएगा सर, साइन एक्स आया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देखिए हम इसको लिख दें कॉसेक, लिख सकते हैं इसको 360 गुणे -4, ठीक ना, प्लस 30 डिग्री, ठीक ना। ये ऐसे भी लिखा गया है ना, एन का मान बोला हमको, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और 360 का गुणज, तो इससे हम निकाल देंगे कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए, हाँ देखिए कॉसेक क्या होता है, 1/sin 30 डिग्री ले सकते हैं हम इसको, कॉसेक व्युत्क्रम होता है साइन का। अब साइन का मान निकाल लीजिए, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब बटे के बटे में है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न का आया। तो प्रश्न नंबर 7 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है 10 19 पाई/3। तो देखिए हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, हम इसको ऐसे भी सकते हैं 6 पाई + π/3, ठीक ना। इसको हल करेंगे, देखिए 3 6 18 18 पाई + 1 पाई 19 पाई/3 हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये 2 पाई का मल्टीपल है, ठीक ना, 2 पाई गुणे 3 ही है ना, ये रेखा है 2 पाई और n का मान यहाँ पर 3 है, तो 2 पाई का कोई भी गुणज हुआ प्लस यहाँ हम π/3 लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 10π/3, ठीक ना। तो 10π/3 का मान कितना हो जाएगा, ये है 60 का मान, तो ये हो जाएगा √3, है ना, 10 60 का मान √3 होता है। तो देखिए हमको हमेशा यहाँ पर 2π का गुणज खोजना होता है, 2π n का मान चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ लिखा है साइन -11π/3, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन -6 -4π + π/3। देखिए इसको अगर आप हल करेंगे तो 4 3 12 -12π + π/3 आएगा, तो -11π/3 आ जाएगा। तो ये माइनस वाला दिया है, देखो हम इसको 2π के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए 2π - 2, ठीक ना, n का मान यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, ठीक ना। तो n का मान कोई भी प्लस और माइनस में हो सकता है। देखिए 2π का गुणज आ गया हमको, प्लस π/3 लिख दिया हमने, तो इसका मान क्या आता है, साइन, ये वाला फॉर्मूला देखिए, साइन 2nπ + x = sin x, तो हो जाएगा साइन π/3। तो π/3 कितना है, 60 का मान है, तो इसका मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। वो प्रश्न नंबर 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें लिखा है cot -15π/4, तो इसको लिखेंगे cot, लिखेंगे -4π + π/4, है ना, 4 × 16 -16 + π, तो -15π आ जाएगा। इसको देखिए आप हल करेंगे तो ये वापस प्राप्त हो जाएगा हमको, और ये हमने क्या किया, 2π का फैक्टर या गुणज में लिख लिया। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π गुणे ये -2 लिख दिया है ना, n का मान यहाँ -2 लिखा हुआ है, बट प्लस π/4, तो cot देखिए 2n और ये n का मान 2nπ + θ दिया हुआ है, तो इसका मान cot π/4 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम cot π/4, तो 45 है, तो 10 45 और cot 45 दोनों का मान ये 1 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न हल हो गए। अब प्रश्नावली 3.3 देखेंगे।